सिर्फ एक वीडियो काफी है आपके शॉर्ट वीडियो को वायरल करने के लिए। आज मैं आपको किसी और के चैनल का नहीं बल्कि अपने खुद के शॉर्ट चैनल का प्रूफ दिखाने वाला हूँ, जिस पर 1,80,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। एंड ये किसी और का चैनल नहीं बिल्कुल मेरा चैनल है। आपको इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो। एंड सबसे पहले आप प्रूफ चेक करो कैसे मैंने अपने शॉर्ट वीडियो को वायरल किया। अभी देखो मैं शॉर्ट्स के सेक्शन पर जाता हूँ एंड यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, हर वीडियो पर 10,000, 8,000 इस तरीके से व्यूज है। एंड कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड किया 9,00,000 व्यूज आ गया। एंड इसके बाद फिर थोड़ा सा व्यूज कम हुआ, 10,000, 20,000 या फिर 30,000 इस तरीके से व्यूज आया। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो, कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड किए थे, 1 महीना हो गया लगभग, एक वीडियो पर आया 21,00,000 व्यूज एंड दूसरे वीडियो पर आया 15,00,000 व्यूज। एंड इसी तरीके से देख सकते हो 10-20,000 फिर चलता गया एंड आगे जाकर जो वीडियो मैंने आपको अभी दिखाया 9,00,000 व्यूज। इस तरीके से वीडियो वायरल होता है। देखो अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो तो आपके चैनल पर सभी वीडियो वायरल नहीं होंगी, लेकिन कुछ वीडियो जरूर वायरल होंगी। जैसे मैंने अपने वीडियो को वायरल किया, शुरुआत में मेरी जो दो वीडियो थी, एक तो हो गई 20,00,000 वाली एंड दूसरा हो गया 15,00,000 वाला। इनके बाद मेरे वीडियो पर 10,000, 20,000, 30,000 इस तरीके से व्यूज आए। लेकिन अब मैंने क्या ट्रिक यूज किया जिसकी वजह से जो मैंने वीडियो अपलोड किया 9,00,000 से ज्यादा व्यूज आए इस वीडियो पर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कोई ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, सिर्फ देख सकते हो 11 मई को इस वीडियो को अपलोड किया गया था एंड इतना ज्यादा व्यूज इस वीडियो पर आया है। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट्स वायरल करने की मिस्टेक बता दूंगा क्या आपको नहीं करनी है, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट्स वायरल करने की यहाँ पर टिप्स बताऊंगा क्या आपको अप्लाई करनी है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपका शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होता, और उसके बाद आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपका शॉर्ट वीडियो अगर 10,000 व्यूज आ जाते तो 20,000 व्यूज आएंगे, अगर 1,000 व्यूज आ जाते तो 5,000 व्यूज आएंगे, अगर आपका व्यूज नहीं बढ़ा तो डेफिनेटली आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कभी मेरी वीडियोस को मत देखना। लेकिन अभी तो सब्सक्राइब करके आप इस वीडियो को एंड तक देखो, जब तक आप टिप्स को जानोगे ही नहीं, अप्लाई नहीं करोगे अपने चैनल पर, तो कैसे आपका शॉर्ट वीडियो वायरल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 3 मिस्टेक नहीं करनी है। पहला तो आप जिस मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हो उस मोबाइल से आपको जीमेल चेंज कर अपने खुद की वीडियो को नहीं देखना है। एंड दूसरा, आप एक दिन में 4-5 वीडियो अपलोड कर दोगे और सोचोगे यूट्यूब हमारी 4-5 वीडियो को वायरल कर देगा, तो भाई ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, अगर आपने एक दिन में यहां पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया उस पर 1,000 व्यूज आ गया, लेकिन अगले दिन अगर आपने 5 शॉर्ट वीडियो एक साथ अलग अलग टाइम पर भी अपलोड कर दी ना, तो उन वीडियोस पर 0 व्यूज के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। यूट्यूब आपकी वीडियो को शॉर्ट फीड में भेजेगा ही नहीं, क्योंकि भाई यूट्यूब को ये लगता है अगर आप एक साथ इतने सारे वीडियोस अपलोड करते हो तो उनमें कोई भी ज्यादा क्वालिटी नहीं होगी। एंड तीसरा भाई, किसी भी टाइम वीडियो अपलोड कर देना, भाई हर कंटेंट के टाइम होता है, आपसे बड़े जो क्रिएटर है आपके नीच के आपके कैटेगरी के वो भी तो एक टाइम बना कर रखे हैं ना, जैसे 4 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके लिए भी एक बेस्ट टाइम होता है, वो कैसे आप फाइंड करोगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये 3 मिस्टेक आपको करना बंद कर देने है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसी क्या टिप्स है जिससे आपको व्यूज डबल होने वाले हैं, 10,000 है तो 20,000, 1,000 है तो 5,000 हो जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रिक जो मैं अपने हर सब्सक्राइबर्स को बताता हूँ अगर उसकी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हो रही, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने इस फोन से अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया, तो इसके बाद आपको एक दूसरा फोन लेना है। याद रहे आपको खुद के मोबाइल से जीमेल चेंज कर अपने वीडियो को नहीं देखना है, आपको एक दूसरा मोबाइल लेना है, अपनी फैमिली का कोई सा मोबाइल ले लेना। एंड इसके बाद अपने चैनल को उसमें पहले से सब्सक्राइब करके रखिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद मान लीजिए अगर आपने 10 बजे वीडियो अपलोड किया है, तो आप 10:05 या 10:10 पर अपने यूट्यूब को खोलो एंड शॉर्ट्स पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने वो वाला शॉर्ट वीडियो आ जाएगा जो आपने अपने चैनल पर अपलोड किया है। लेकिन याद रहे आपका चैनल दूसरे मोबाइल में सब्सक्राइब होना चाहिए एंड आपके चैनल की आपने 2-3 वीडियो पहले से देखी होनी चाहिए, तभी ये चैनल से आपने वीडियो अपलोड किया तो उसका शॉर्ट वीडियो आपके मोबाइल के ब्राउज फीचर में आ जाएगा। एंड अब आपको करना, मान लीजिए ये शॉर्ट वीडियो अगर मैंने अपलोड किया तो इसको आपको 5 से 6 बार देखना है। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा, मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको दिखा भी देता हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से मेरी वीडियोस वायरल हो जाती है। एंड दूसरा जो ट्रिक है वो है भाई एक सही टाइम पर अपने वीडियो को अपलोड करना। जैसे कि आप देख सकते हो अगर मैं किसी टाइम वीडियो अपलोड कर देता हूं तो इतना अच्छा व्यूज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम एक परफेक्ट टाइम पर वीडियो को अपलोड करते हैं तो भाई 10,000, 20,000 नहीं सीधा 19,00,000, 15,00,000, 9,00,000 इस तरीके से भाई व्यूज आते हैं। एंड पॉपुलर वीडियोज की बात करें तो एक वीडियो से मैं अपने चैनल को मोनेटाइज किया है एंड एक एक वीडियो से मैंने 40-60 ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा वायरल हुआ होगा मेरे ये वाला वीडियो। तो दोस्तों अपने चैनल के लिए बेस्ट टाइम फाइंड करने का एक सबसे बड़ा तरीका है अपने वर्ड स्टूडियो में आपको ये वाला ऑप्शन खोलना है जिसका नाम है एनालिटिक्स। एंड यहाँ पर आकर आपको ओवरव्यू पर जाना है एंड स्क्रॉल करके आपको एक ऑप्शन दिखता है रियल टाइम व्यू,
तो वहां पर आपको काफी सारी लाइन शो होती हैं, तो आपको उनमें से कोई सी एक लाइन पर क्लिक कर देना है एंड जिस भी लाइन पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहा है आपको उस टाइम पर वीडियो को अपलोड करना है। मान लीजिए अगर ये लाइन सबसे ज्यादा ऊंची जा रही है और बाकी लाइन नीची, तो आप इस पर क्लिक कीजिए एंड जो टाइम आपको शो हो रहा है उस टाइम पर वीडियो अपलोड कीजिए। एंड तीसरा जो हमारा काम है भाई वो है वीडियो का लेंथ। तो देखो अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाए थे जिस पर 19 लाख 15 लाख व्यूज है, उन वीडियोज को अगर ओपन करते हैं तो देखो हर वीडियो की लेंथ 50 सेकंड से ज्यादा है एंड इन पर ऑडियंस रिटेंशन ऑडियंस इनको 40 सेकंड से भी ज्यादा का देख रही है भाई, इसलिए ये वीडियोस वायरल हुए एंड इससे इतना ज्यादा वॉच टाइम हमें मिल रहा है। भाई YouTube दो चीजों को देखता है अगर आपके शॉर्ट वीडियो वायरल आपको करना है, पहला तो आपके शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम ज्यादा मिलना चाहिए जो कि तभी मिलेगा जब आप ज्यादा लेंथ का वीडियो बनाओगे एंड दूसरा आपके वीडियो पर कितना व्यू रेशियो आ रहा है, कितना स्वाइप रेशियो आ रहा है, कितने लोग आपके वीडियो को रुक कर देख रहे हैं, कितने लोग आपके वीडियो को स्किप कर रहे हैं, इसका आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, तो वो है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में ज्यादा से ज्यादा हैशटैग का यूज करना। भाई ऐसा अगर आप करोगे ना तो आपका शॉर्ट वीडियो डेफिनेटली वायरल होगा, लेकिन आप लोग गलत तरीके से टाइटल एंड हैशटैग का यूज करते हो। दोस्तों देखो अगर मैं आपको अपने वीडियोस दिखाऊं जिन पर 12 मिलियन 3 मिलियन व्यूज आया है, सब पे मैंने एक वायरल टाइटल यूज किया है, देख सकते हो ये वाला मेनीवुड वाला, तो ये टाइटल मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा एंड साथ में कुछ हैशटैग दे दूंगा वायरल जो आप अपने डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हो। एंड देखो जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था 15 लाख 19 लाख व्यूज वाले, उनके डिस्क्रिप्शन में सेम मैंने यही काम किया है। मैं आपको कोई फेक या पर फालतू को कोई नॉलेज नहीं दे रहा हूं, जो मैं खुद अप्लाई करता हूं वो मैं आपको अप्लाई करने के लिए अपने चैनल पर बता रहा हूं। तो देखिए इस तरीके से आपको वायरल टाइटल एंड या पर हैशटैग का यूज करना है अपने डिस्कशन में एंड टैग्स आपको नहीं डालना है एंड इसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो कि भाई मैं काफी ज्यादा यूज करता हूं जिसकी वजह से मेरी सारी की सारी वीडियोस वायरल हुई, अपनी शॉर्ट वीडियो में यूट्यूब सर्च टर्म से व्यूज लाना। आप देखो मेरा ये वाला वीडियो है, मान लीजिए इस पर देखिए 9 लाख के आसपास व्यूज है। अब मैं इसको ओपन करके जाता हूँ रीच पर एंड यहाँ पर एक सेक्शन दिखता है यूट्यूब सर्च टर्म, यहाँ पर जाएंगे तो हमें कुछ कीवर्ड देखेंगे। भाई इनसे हमारे वीडियो को सर्च करके देखा जा रहा है, इनको हम कॉपी करके अपने टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लाइव प्रूफ आप देखो यहाँ पर मुझे क्या कीवर्ड दिख रहे हैं, ये सेम कीवर्ड मैंने टैग में भी डाला एंड हैशटैग में भी डाला, तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन एंड टैग में डालने के बाद मेरे वीडियो पर और ज्यादा व्यूज आ गया एंड सर्च से भी थोड़ा बहुत व्यूज आ रहा है। भाई इस तरीके से आपको वीडियो 100% वायरल होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। फिलहाल आपको कोई भी डाउट हो एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की तुरंत से पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसने मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद एंड वंदे मातरम।